नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल ग्रिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय परीक्षाओं को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में। अभी आप स्क्रीन पर एक विश्वविद्यालय का नाम देख रहे होंगे, लेकिन राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी में इसी प्रकार की है वो तैयारियाँ चल रही है। तो मैं जिस विश्वविद्यालय की ओर से ऐसी अपडेट आएगी आप तक बताने का है वो प्रयास करूँगा, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ विद प्रूफ के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल ग्रिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको न्यूज़ के प्रूफ के लिए है वो ऑथेंटिसिटी के लिए वो प्रूफ दिखा देता हूँ। यह आप देख सकते हैं सिक्कर भास्कर का आज का, दोस्तों मैं आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ 17 जून 2021 आज का न्यूज़पेपर है वो आपके सामने है। शेखावाटी विश्वविद्यालय 20 नए सेंटर बनाएंगे, सभी विषयों के पेपर तैयार, परीक्षा के लिए कमेटियां बनाई। ये आप देख सकते हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने परीक्षाओं को लेकर के है वो तैयारी शुरू कर दी है, पेपर और टाइम टेबल तैयार किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह बिजारणिया ने बताया कि 20 नए परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। इन परीक्षा केंद्रों पर अंतिम निर्णय कमेटी को करना है कि कौन से कॉलेज को सेंटर बनाया जाए। एग्जामिनेशन कमेटी, ग्रीवेंस कमेटी, फ्लाइंग कमेटी, अनफेयर मीन्स कमेटी गठित कर दी है। UGC और राज्य सरकार की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार कभी भी एग्जाम करवाने को तैयार है। साफ साफ देख सकते हैं जो कुलपति है प्रोफेसर भागीरथ सिंह जी बिजारणिया सर, उन्होंने साफ साफ कह दिया है जैसे UGC और राज्य सरकार की ओर से कोई भी निर्देश परीक्षाओं को लेकर के आते हैं तो हम कभी भी है वो विद्यार्थियों की परीक्षाएं हैं वो करवाने को लेकर के तैयार है। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरिंदम बसु ने बताया है कि स्नातक प्रथम वर्ष से लेकर के फाइनल ईयर स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल विषयों के पेपर तैयार करा लिए हैं। राज्य सरकार के निर्देश मिलते ही पेपर है वो प्रकाशित करवा लेंगे। स्टूडेंट्स को परीक्षा फॉर्म भरने का एक अंतिम मौका और दिया गया है जिसके तहत स्नातकोत्तर के 21 जून व स्नातक के स्टूडेंट्स 25 जून तक परीक्षा फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। तो ये आप दोस्तों साफ साफ देख सकते हैं उन्होंने हर कक्षा के विद्यार्थियों के लिए है वो पेपर को तैयार करवा लिया है। अब सरकार जैसे ही निर्देश देती है कि किन किन कक्षाओं के एग्जाम करवाना है उनके तुरंत वो पेपर प्रकाशित करवा लिए जाएंगे। यदि सरकार कहती है कि आपको फाइनल ईयर के एग्जाम अभी करवाने हैं तो उसी अनुरूप फाइनल ईयर के है वो पेपर तैयार करवा लिए जाएंगे। सरकार कहती है द्वितीय वर्ष व फाइनल दोनों के करवाने हैं तो उसके अनुरूप तैयार करवा लिए जाएंगे। और सरकार कहती है कि सभी कक्षाओं के आपको है वो पेपर करवाने हैं तो सभी कक्षाओं के है वो पेपर है वो प्रकाशित करवा लिए जाएंगे। पेपरों को है वो तैयार करवा लिया गया है, अब बस राज्य सरकार और UGC के निर्देशों का इंतजार है। मैं आपको बता दूं UGC ने है वो अभी तक गाइडलाइन जारी नहीं की है, जबकि होना ये चाहिए था कि UGC सबसे पहले गाइडलाइन जारी करे क्योंकि उच्च शिक्षा को लेकर के नियामक संस्था है वो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन UGC ही है। राज्य सरकार अपनी गाइडलाइन जारी नहीं कर रही और इसका जो ठीकरा है वो साफ साफ UGC पर फोड़ रही है कि UGC ने है वो अपनी गाइडलाइन जारी नहीं की, इसलिए हम गाइडलाइन जारी नहीं कर रहे क्योंकि पिछली बार भी हमने गाइडलाइन जारी करके फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया था, लेकिन UGC के निर्णय के बाद हमें अपना डिसीजन रिवर्स करना पड़ा था। इसलिए हम चाहते हैं कि इस बार विद्यार्थी कंफ्यूजन की स्थिति में ना रहे, इसलिए हम UGC के जो दिशा निर्देश हैं उनका इंतजार कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों कल हम है वो UGC की गाइडलाइन जारी कराने को लेकर के और जो विद्यार्थी हित में निर्णय UGC ले उसको लेकर के एक ट्विटर ट्रेंड भी चलाने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा और जो कल हम ट्विटर ट्रेंड चलाने वाले हैं उसमें भी मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप सभी विद्यार्थी वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग प्रदान अवश्य करेंगे क्योंकि आपके सहयोग से ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो ट्विटर ट्रेंड है वो सक्सेस हो सकता है। ये आपका अपना अभियान होगा, आपको इसमें है वो सहभागिता निभानी होगी। हर विद्यार्थी को ये मानकर चलना होगा कि कम से कम 10-10 विद्यार्थियों को वो अपने साथ जोड़ेगा और 100-100 ट्वीट रीट्वीट करवाने की जिम्मेदारी हर विद्यार्थियों को लेनी होगी, तब जाकर के दोस्तों जो हमारा ट्वीट है वो ट्रेंड में आ सकता है। जिस प्रकार बोर्ड के विद्यार्थियों ने प्रयास किया था उनकी बात है वो सरकार तक पहुँची थी, जो CBSE बोर्ड है वहाँ तक पहुँची थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से लेकर के प्रधानमंत्री तक पहुँची थी, उसी प्रकार हमें भी हमारी जो आवाज़ है वो UGC से लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय से लेकर के प्रधानमंत्री जी तक पहुंचानी है। इसलिए आप सभी का सहयोग आवश्यक होगा। निर्णय चाहे कुछ भी रहे हमारा कार्य है, हमें विद्यार्थी हितों के लिए प्रयास करना है। निर्णय लेना दोस्तों UGC का काम है, उच्च शिक्षा विभाग का काम है, राज्य सरकार का काम है। आगे आप ये भी देख सकते हैं परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण हो रहा है। कुलपति प्रोफेसर भागीरथ सिंह ने बताया कि कॉलेजों के निरीक्षण के लिए कमेटी गठित कर दी है। कमेटी में एक यूनिवर्सिटी का अधिकारी व एक गवर्नमेंट कॉलेज का लेक्चरर शामिल है। परीक्षा केंद्र बनाए जाने से पहले गठित टीम है वो कॉलेज में मूलभूत संसाधन कोविड को ध्यान में रखते हुए बैठने की व्यवस्था, CCTV फुटेज व्यवस्था, स्टाफ टेबल कुर्सी, स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था सहित अन्य चीज़ों का है वो निरीक्षण करने वाली है। और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि घर बैठे डिग्री में त्रुटि कर सकेंगे स्टूडेंट्स, ये भी आप
देख सकते हैं गत सत्र 2019-20 की डिग्रियां तैयार करने के लिए ऑनलाइन प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स घर बैठे अपने नाम, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा, जन्म तिथि, विषय सहित अन्य त्रुटियों में है वो सुधार भी कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दोस्तों करेक्शन भी करवा सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आप देख सकते हैं, शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर से आनी प्रारंभ हो गई है और राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालय है उनसे भी इस प्रकार की अपडेट है वो आ सकती है। जैसे ही दोस्तों अन्य विश्वविद्यालयों से भी किसी भी प्रकार की अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे अपने चैनल ग्रिमा बोथरा के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और लगातार चैनल पर आप विजिट करते रहें, क्योंकि हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना पहुंचे, क्योंकि YouTube के टर्म्स एंड पॉलिसी के अकॉर्डिंग ओनली फॉर 24 आवर्स में प्रीवियस में केवल 3 वीडियो का नोटिफिकेशन ही पहुँचता है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें, रेगुलरली चैनल को वॉच करते रहें। धन्यवाद।